अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 33, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रॉब्लम 27। वो कहता है एक प्लेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिसकी वेवलेंथ 3 मीटर की है, वैक्यूम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 300 वोल्ट पर मीटर है, पैरेलल है वाई एक्सिस के। फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, वेव नंबर बताओ, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, क्या वो पैरेलल होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के की ओसिलेट करेगी, फिर एनर्जी का रेट बताना यानी पावर बतानी है। फिर वो कहता है दो वेव्स जो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट करती हैं एक एरिया 2 मीटर स्केयर पे, सरफेस टोटली अब्सॉर्बिंग है। वो कहता है जी रेट एट विच द मोमेंटम इज ट्रांसफर रेडिएशन प्रेशर। अब सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी एफ बराबर आ जाएगा सी बाई लेमडा की, चूंकि लेमडा में दी हुई है तो उससे सॉल्व करेंगे 1 × 10⁸ हर्ट्ज आ जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf होती है, फ्रीक्वेंसी पता चल गई है तो 6.3 × 10⁸ रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। वेव नंबर 2π/λ होता है तो 2π भी पता है, लैम्डा भी पता है, 2.1 रेडियन पर मीटर आ जाएगा। ये तो गिवन डाटा से आ गया। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पता है, EM/c होता है फार्मूला, तो 1 × 10⁻¹⁸ टेस्ला आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल ऑसिलेट कर रही है, जबकि जो हमारी वेव है वो पॉजिटिव एक्स पे चल रही है। तो इस सूरत में बी को पॉजिटिव सी की जानिब लाजमी होना चाहिए ताकि ई पॉजिटिव वाई पे हो और वो आपके पास एक्स डायरेक्शन में चल सके। ठीक होगी बात, राइट हैंड रूल लगता है सिंपल सा। फिर पॉइंटिंग वेक्टर में इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, म्यू नॉट कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, सारी वैल्यूज लग जाएंगी तो 119 वाट पर मीटर स्केयर आ जाएगा। फिर हम जानते हैं कि भाई फोर्स होती है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आप i/c × a लगाया जा सकता है, तो आपके पास i भी है, c भी है, a भी है, तो 8 × 10⁻¹⁷ न्यूटन आ जाएगा। फिर प्रेशर आपके पास चाहिए तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, तो फोर्स की जगह dp/dt लगाया जा सकता है, वो वैल्यूज पता है, एरिया पता है, 4 × 10⁻¹⁷ पास्कल आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।